दोस्तों, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो तो फिर आपने कैपकट वीडियो एडिटर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और अपने YouTube पर भी इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे। लेकिन जैसे आप प्ले स्टोर पे जाके या फिर एप स्टोर पे जाके सर्च करेंगे कैपकट वीडियो एडिटर, तब आपको ऐसे देखने को मिलता है, खास करके अगर आप इंडिया से हो तो। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसा एक ट्रिक दिखाने वाला हूं जिसके मदद से आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर, चाहे वो एंड्रॉइड हो सकता है या फिर आईफोन हो सकता है, आप अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर से या फिर एप स्टोर से कैपकट वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर सकते हो और उसे यूज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा, आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए या फिर एप स्टोर पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, देखिए कैपकट, उसके बाद देखिए क्या लिखा आया कि लुकिंग फॉर कैपकट वीडियो एडिटर, दिस एप इज नॉट अवेलेबल। आप अगर इंडिया से हो और आप प्ले स्टोर पे या फिर एप स्टोर पे, आईफोन पे एप स्टोर पे जाके सर्च करते हो कैपकट वीडियो एडिटर, तब आपको ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है दिस एप इज नॉट अवेलेबल। इसके नीचे देखिए इजी कट करके कुछ अलग से एप्लीकेशन है, वो आपको नहीं डाउनलोड करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल फोन पे या फिर आईफोन पे कैपकट वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी प्ले स्टोर से या फिर एप स्टोर से। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, आप अपने प्ले स्टोर पे या फिर अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आईफोन पे यहाँ पे सर्च कीजिएगा कि टच, TOUCH, टच बीपीएन सर्च कर लेना है आपको। सर्च करने के बाद आपको क्या कर लेना है, टच बीपीएन जैसे ही आएगा, देखिए ये जो एप्लीकेशन है नीचे वाले हिस्से में टच बीपीएन सिक्योर हॉटस्पॉट लिखा है, इसको आपको क्लिक करके सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल पे ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मुझे यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आप अपने एप स्टोर से यानी आईफोन पर एप स्टोर से या फिर मोबाइल पे प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ये देखिए टच वीपीएन ये ओपन हो रहा है, कुछ देर वेट कीजिए, ये देखिए ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो देखिए यू आर एट इंडिया, मैं अपने इंडिया लोकेशन से क्या करूंगा, दूसरे लोकेशन चेंज कर लूंगा। यहाँ पे देखिए मेरा लोकेशन इंडिया है। अब हमें क्या करना है, स्विच लोकेशन टू, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आपको यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर लेना है, जैसे मैंने ऑलरेडी चूज करके रखा था। लेकिन आपको ऐसे देखिए नीचे यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए लॉस एंजलिस, मियामी, न्यूयॉर्क, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। मैं लॉस एंजलिस को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कुछ टाइम वेट कीजिएगा, कुछ देर वेट कीजिएगा, इसको कनेक्ट होते देते हैं। ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको क्लियर करके फिर से हमें प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे हम फिर से सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे देखिए कैपकट, ये देखिए अब हम सर्च करेंगे कि कैपकट, ये देखिए फिर से ये नहीं आया है। ये किसी किसी मोबाइल पे हो सकता है वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आ जाएगा, लेकिन अगर आपको वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी नहीं आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक चले जाइए, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके रखिए, उसके बाद ऐप इन्फो पे क्लिक कीजिए। देन आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए स्टोरेज ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर कैसे क्लियर डाटा कर देना है, जो कि प्ले स्टोर से या फिर आपकी जो एप स्टोर है, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो वो जो एप स्टोर है या फिर प्ले स्टोर से आपको इस डाटा को क्लियर कर देना है और वीपीएन को कनेक्ट रहना देना है यूनाइटेड स्टेट्स पे। उसके बाद फिर से जैसे ही मैं प्ले स्टोर को ओपन करूंगा, अब यहाँ पे नए तरीके से देखिए प्ले स्टोर क्लियर होके आ चुका है, पूरा नया तरीके से ये ओपन होगा। कुछ टाइम लग सकता है, यहाँ पे नेट का कुछ इश्यू है। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। अब जैसे ही मैं सर्च करूंगा, देखिए अब सर्च करूंगा कैपकट वीडियो एडिटर में सर्च करूंगा। यहाँ पे देखिए वीडियो एडिटर, जैसे ही मैं सर्च करूंगा यहाँ पे देखिएगा कैपकट वीडियो एडिटर, जैसे ही मैं सर्च करूंगा अब ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वेट कीजिए, ये देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट इश्यू है। ये देखिए आ चुका है कैपकट वीडियो एडिटर, ये आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेरे मोबाइल पे ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यानी ये जो कैपकट वीडियो एडिटर है ये मैंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखा है। लेकिन जब मैं इंडिया के लोकेशन की जो डाटा है यानी नेट यूज कर रहा था, तब ये प्ले स्टोर पे नहीं दिख रहा था। आपको भी इसलिए प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल नहीं दिखता है या फिर आईफोन पर भी ये अवेलेबल नहीं दिखता है। आपको सिंपली यहाँ पे वीपीएन को कनेक्ट करके यूनाइटेड स्टेट्स को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने एप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे ये डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल और अपडेट ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, आप सिंपली क्या कीजिएगा, उस इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को यानी
कैपकट वीडियो एडिटर जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपडेट पे भी क्लिक कर लूंगा, देखते हैं ज्यादा एमबी है तो अभी अपडेट नहीं करूंगा। तो आप ऐसे करके क्या कर पाएंगे, आप अपने मोबाइल फोन पे या फिर आईफोन पे, ये देखिए आई थिंक ये ज्यादा टाइम लेगा तो बाद में मैं अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे करके आप क्या कर पाएंगे, अपने अपने मोबाइल फोन पर या फिर अगर आप आईफोन यूज करते हो तो अब आप क्या कर पाएंगे, ऐप स्टोर से यानी iOS स्टोर से कैपकट वीडियो एडिटर को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो और उसे अपने हिसाब से यूज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो।